अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ ट्रेडिशनल वे में आम का अचार। तो मैंने यहाँ पर लिया है फजली आम। इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हमने काट लिया है। थोड़ी देर इसको सोक करेंगे पानी में और इसको चंक्स में कट कर लेंगे। सारे आमों को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। और चलिए अभी एक मसाला प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ, अजवाइन, मेथी और जीरा। इसको हम थोड़ी देर कढ़ाई में भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करना है इसको। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये सारे मसाले थोड़ा सा क्रैक होना स्टार्ट कर देगा, तब इसको बंद कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट करेगा फिर बाद में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। इसको हम ठंडा करके कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम जो हमने आम कट करके रखा था इस पे हम मिलाएंगे स्वादानुसार नमक। आपके किचन में जो भी सारे ड्राई मसाले हैं वो आप सभी इसमें यूज करना। थोड़े से हल्दी पाउडर, ये हमने थोड़ा सा खट्टा ही रखा है इस अचार को। आप चाहो तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप गुड़ ऐड करना चाहते हो तो गुड़ को अच्छे से पका कर ही अचार में ऐड करना। यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अचार मम्मी का स्पेशल है, मम्मी ने ही बनाया है। मैं खाली मैं थोड़ा हेल्प कर रही थी साइड से। अब मम्मी ने इसमें डाल दिया है विनीगर, ज़्यादा नहीं डाला है, 3 टीस्पून ही डाला है। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी थोड़े से कलर के लिए इसमें मम्मी डाल रही है थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था वो भी सारा डाल लेंगे इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। यह अचार खाने में बहुत ही यम्मी बनता है। इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके। 1 घंटे के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सरसों का पाउडर। ये मैंगोज हमारे गार्डन से ही फ्रेश था तो इसलिए हमने सोचा कि झटपट अचार बना लेते हैं। चलिए अभी हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। हम एक प्रिपेयर करेंगे गार्लिक ऑयल, तो इसमें हमने पैन में डाला है कलौंजी और यहाँ पर 5 फोड़न डालेंगे। ये बंगाली किचन में तो बहुत ही फेमस है। और इसमें भी हम ऐड कर देंगे सरसों का तेल 2 कप। इसको थोड़ा बॉयल आने देंगे इसमें। चलिए कुछ गार्लिक पॉट को हम क्रश कर लेंगे क्योंकि हमें गार्लिक ऑयल बनाना है। तो देखिए करीबन 2 गार्लिक मतलब होल गार्लिक को हमें क्रश कर लेना है। अब हम क्रश्ड गार्लिक को ऑयल में डाल देंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे ताकि जो गार्लिक का फ्लेवर है वो सारा ऑयल में आ जाए। ये देखिए हमारा गार्लिक ऑयल तैयार हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये जल जाएगा। अभी हम हमारे गार्लिक ऑयल को डालेंगे मैरिनेटेड मैंगोज में और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारा काम इधर ही ख़त्म हो गया है। अभी क्या करना है, हमें इसको मिक्स करके डायरेक्ट सनलाइट में रखना है करीबन 1 हफ्ते के लिए। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसको आप एक एयर टाइट ग्लास जार में भर ले और इसको धूप में रखें 1 हफ्ते के लिए।
और इस मैंगो सीजन आप इस अचार को ज़रूर ट्राई करना और इसको रोटी के साथ या राइस के साथ आप खा सकते हैं। ये सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।